वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन्स का जो एग्जामिनेशंस 1 जुलाई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था और एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे और कैंडिडेट एग्जामिनेशंस के बाद जो मुझे क्वेश्चन शेयर किए थे उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा प्रॉपर ढंग से। दोनों शिफ्टों का यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ और जेन्युइन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद 51 क में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 मौलिक कर्तव्य है। सेकेंड प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान में कानून निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से कानून निर्माण की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, पूछा जाता है कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है केबुल लामजाओ। तो अब पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है, तो ये लोकटक झील पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था गोविंद देव जी मंदिर कहाँ पर है, तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था साइंस से कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था वित्तीय समावेशन में शामिल योजना कौन सी है, तो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था करेंट से रिलेटेड था लेकिन 2021 का था, ताउते तूफान कब आया था, मई 2021 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 2021 में सीमांत अस्थायी सुविधा दर क्या थी, तो 4.25% थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अनागार कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहन जोदाड़ो से विशाल अनागार का प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक खुद को दूसरा सिकंदर कहता था, तो उससे कौन सा शासक था, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भाजा गुफाएं कितनी रॉक कट गुफाओं का एक समूह है, तो 22 रॉक कट गुफाओं का एक समूह है भाजा गुफाएं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था तुगलक वंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो 14वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भारत पर मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए रक्षात्मक नीति किसने अपनाई थी, तो ग्यासुद्दीन बलवन ने अपनाई थी रक्षात्मक नीति। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था अस्थाई सेना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, तो दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित की थी। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बरनी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राज्य कौन सा है, तो ऑप्शंस में एग्जैक्ट क्या था मुझे नहीं मालूम बट नज़दीक में है तमिलनाडु केरल। नेक्स्ट प्रश्न करेंट से था दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस IIT में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया है, तो किस IIT में, तो IIT कानपुर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 25 में 18 रियल क्वेश्चन मुझे मिला है। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो ये बाबर और राणा संगा के मध्य में हुआ था 16 मार्च 1527 को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने शुरू किया था, तो ग्यासुद्दीन बलवन ने शुरू किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मोहम्मद गोरी के भाई का नाम क्या है, ये थोड़ा अटपटा सवाल था, भाई का मोहम्मद गोरी के भाई का नाम था घियात अल दीन मोहम्मद। साजी की ढेरी प्राचीन कनिष्क स्तूप कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था किस चोल शासक ने राजाओं का राजा उपाधि धारण की थी, तो उस चोल शासक का नाम है राजा चोल प्रथम, जिसे राजाओं का राजा की उपाधि धारण की थी।
मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी कहाँ पर है? तो असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बुग्याल घास मैदान कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। हिमालय पर्वत क्या प्रदर्शित करता है? युवा बलित पर्वत को प्रदर्शित करता है। स्त्री केसर क्या है? तो ये फूल का मादा जनन अंग होता है। सही मिलान करने था तो मैंने यहाँ पर सभी को सही से मिलान कर दिया। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, ए की कमी से रतौंधी रोग, डी की कमी से रिकेटस और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो उस राज्य का नाम है मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, स्तूप में हार्मिक क्या होता है? तो स्तूप, देखिए स्तूप इस तरह अर्धगोलाकार होता है, ठीक है। तो अर्धगोलाकार के ऊपर वाले जो छज्जा वाला संरचना का दिखाई देता है वही हार्मिक होता है। तो ये रहा टोटल 25 में 15 रियल क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का 1 जुलाई का। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब मैं आप सभी को 3 जुलाई 2023 के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।